सहरसा जिले के बख्तियारपुर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से एक देसी राइफल, एक पिस्टल, 2 मैगजीन और 15 जिंदा कारतूस बरामद किए। बता दें कि पुलिस सोमवार की शाम 4.25 लाख रुपए की लूट के मामले में लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी क्रम में इन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। लूट के मामले में ही कुछ साक्ष्य संकलित हो पाया, जिसके आधार पर जब छापामारी की गई तो आर्म्स की बरामदगी हुई है। अनुसंधान लूट के बिंदु पर जारी है कि हमारा लूटा गया रुपया बरामद हो जाए, इसके लिए अनुसंधान अभी भी जारी है और आर्म्स की बरामदगी के लिए अलग से कांड दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। क्या सब आर्म्स बरामद हुआ है? एक देसी राइफल है, एक पिस्टल है, पिस्टल का 2 मैगजीन है, राइफल का 1 मैगजीन है, 315 का 4 गोली और पिस्टल का 11 गोली बरामद हुआ है। एक मोबाइल भी संदेहास्पद बरामद की गई है, जिसके आधार पर अनुसंधान की जाए। किन लोगों की गिरफ्तारी हुई, किन लोगों से? ये किशोर यादव हैं, जो पहले भी जेल जा चुके हैं, और विजय कुमार, हरे राम यादव, तीनों भाई हैं। तीनों के घर से आर्म्स की बरामदगी हुई है और लूट की घटना के लिए भी पूछताछ